रवि भवन के जस्ट सामने भैया फटाफट, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ होती है क्या। वे के साथ मुझे मिली स्पेशल जलेबी पराठा थाली। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गई, क्योंकि आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ रायपुर का सबसे ज्यादा फेमस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। वैसे तो रायपुर में कई जगह पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है, बट फिर भी रायपुर का सबसे ज्यादा फेमस जगह है जैसन चौक, जिसको रायपुर का सेंटर भी बोलते हैं। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रेकफास्ट मिलता है, आज मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। देरी की हुए चलते हैं, लेट्स गो। है पचपेड़ी नाका का ओवर ब्रिज, यहाँ पे यातायात केंद्र भी है, और अगर आपको भिलाई दुर्ग राजनांदगांव जाना है तो यहाँ से आपको बहुत ही इजी वे में बस मिल जाएगी। यहाँ से मॉर्निंग में और डे में दोनों टाइम पे बसेस निकलती है। ये है यातायात सहायता केंद्र, और काफी लोग जो है अपनी गाड़ी को यहीं पर रख के जाते हैं भिलाई दुर्ग। पचपेड़ी नाका से स्ट्रेट स्ट्रेट चल के आ चुके हैं और अभी हम निकल चुके हैं जैसम चौक के लिए। तो देख सकते हो यहाँ से जैसम चौक का बोर्ड हम लोगों को दिखा रहा है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस अभी नहीं, अभी हम काफी पास पहुँच गए। मस्जिद है, सुबह सुबह का वेदर देख सकते हो, काफी ज्यादा लाइट टाइप की धूप निकली है, अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह से आप देख सकते भीड़ हो गई एकदम ज्यादा ही। पहुंच गए हैं इंदिरा गांधी चौक, तो वहाँ पे आप स्टैचू देख सकते हो, और काफी ज्यादा एकदम ज्यादा ट्रैफिक है। सुबह सुबह भी इतना ज्यादा ट्रैफिक आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इंदिरा गांधी की स्टैचू बनी हुई है बहुत सुंदर सी, और ये है कालीबाड़ी चौक। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो गोल बाजार शुरू हो जाता है, और उस तरफ से जाते हैं तो अपना पड़ता है व्हाइट हाउस। गोल बाजार वाली जो रूट में आ चुके हैं, और गोल बाजार में भी आप देख सकते हो सुबह सुबह से पूरा मॉल जम जाता है, मतलब इतनी ज्यादा भीड़। वैसे तो गोल बाजार फेमस ही भीड़ के नाम से है, और यहाँ पे सबसे सस्ता मार्केट भी लगता है। ये है सिटी कोतवाली। अगर आपने मेरा रायपुर का व्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा कि नाइट में इसका व्यू कैसे दिखता है, और ये है इसका मॉर्निंग सुबह सुबह का व्यू। अभी लाइट साइज बन गई है इसलिए एकदम नॉर्मल लग रहा है। और इस तरफ से अगर आप जाएंगे तो आपको सदर बाजार पड़ेगा, आएंगे गोल बाजार, और ये है गोल बाजार का सेंटर पॉइंट चिकनी मंदिर। तो ये गोल बाजार का जो है सेंटर पॉइंट है, और अभी सुबह सुबह का मैं आपको माहौल दिखा रही हूँ। वैसे तो गोल बाजार की सड़कें दिन के मुकाबले अभी काफी ज्यादा खाली है, क्योंकि दिन में और रात में आप यहाँ आओगे तो आपको चलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। तो सुबह सुबह का माहौल यहाँ पे थोड़ा खाली रहता है, और काफी सारी जो शॉप्स है वो अभी क्लोज ही है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। और ये है पुलिस थाना गोल बाजार का। तो अभी हम स्ट्रेट चलते चलते अभी हम आ चुके हैं जयसम चौक, और ये है रवि भवन, बहुत ही ज्यादा सुंदर कॉम्प्लेक्स है। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है जयसम चौक, इसका भी नाइट व्यू मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो अगर आपको इसका नाइट व्यू देखना है तो आप मेरा सिटी ब्लॉग नाइट व्यू देख। मेन जगह रवि भवन के जस्ट सामने पे ही, भवन के जस्ट सामने वाले कॉम्प्लेक्स में कितने सारे ब्रेकफास्ट के स्टॉल लगे हुए, मतलब छोले भटूरे है, यहाँ पर भी छोले भटूरे है, उधर है साहू पोहा, और देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे है पराठा एंड पराठा, इस तरफ है इडली सांबर, और यहाँ पर है हैंगओवर टी, ओ माय गॉड हैंगओवर टी, और यहाँ पर पोहा एंड जलेबी, इस तरफ है हैंगओवर टी, इडली सांबर, मसाला डोसा, और वहाँ पर और बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये सारे स्टॉल जो लगते हैं वो लगते हैं रवि भवन के सामने। तो ये रवि भवन का कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे मोबाइल, ये स्पेशली मोबाइल शॉप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रवि भवन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे पोहा रेडी कर रहे हैं भैया फटाफट, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि भैया को टाइम नहीं रहता, फटाफट रेडी कर रहे हैं। और यहाँ पे है स्टीम वाला पोहा, गरम जलेबिया, ओ माय गॉड गर्मा गर्मा जलेबिया, और ठंडी के मौसम में ये है भैया, भैया का सेंटर है इंदौर पोहा सेंटर, मेरा पोहा है वो आ गया है, और ये देखने में काफी ज्यादा यम्मी लग रहा है। सो अभी चलते हैं पोहा टेस्ट करते हैं और खाते हैं। ओहो दो जलेबियाँ भी दिए भैया, क्या बात है, दो जलेबियाँ और पोहा। तो फाइनली गाइस मुझे मेरा पोहा मिल गया, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है, और देख सकते हो मैंने दिखाया भी ऑलरेडी कितने लोग आए हैं यहाँ पे, और पोहे के साथ मुझे मिली स्पेशल जलेबी। तो ये देख सकते हो मेरा पोहा, पोहा और जलेबी मिला, तो इसमें ऑलरेडी भैया ने काफी कुछ डाला है, प्याज चुकंदर और कुछ कुछ पत्ता गोभी अभी भी डाला है, और साथ में सेव भी डाला है, मतलब बहुत ही यम्मी टाइप का पोहा इन्होंने रेडी किया है। और इसका टेस्ट मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो इतना लेट आने के बाद भी देख सकते हो धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है, मतलब भैया इतना ज्यादा टेस्टी पोहा देते हैं, और पोहे के साथ देते हैं जलेबी। हम लोग इतने लेट आए हैं उसके बाद भी देख सकते हो कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए ऑलरेडी पोहा खा रहे, और मैं भी पोहा खा रही हूँ। तो पोहा इतना टेस्टी था कि मैं एक और पोहा खाने के लिए आ गई हूँ। दो मिर्ची और डाल दो। यस पोहा।
अभी हम लोगों का पोहा खाना कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स लगे हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे अब इडली सांभर या फिर आलू पराठा ट्राई करना चाहिए। तो अभी चलते हैं दूसरे स्टॉल में और देखते हैं क्या क्या है। बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, मतलब कंटिन्यूशन पे स्टॉल लगे हुए हैं। ये सारे स्टॉल जो है वो रवि भवन के जस्ट सामने ही लगते हैं। तो यहाँ पर है पराठा एंड पराठा, और यहाँ पे बन रहा है पराठा, और यहाँ पर है चाय, इस तरफ भी काफ़ी लोग हैं, और वहाँ पर है साहू पोहा, और उस तरफ कंटिन्यूशन में बहुत दूर दूर तक स्टॉल गया हुआ है, मतलब बहुत दूर तक ऐसी स्टॉल लगा है। और ये पूरा लगा है रवि भवन के सामने, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस जगह है जैसन चौक में। तो अगर आपको कभी भी इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट करना है और मॉर्निंग में करना है, तो ये जगह आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। फाइनली बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद अभी फाइनल हो गया है कि पराठा ही खाना आ रहे हैं। भैया पराठा, गर्मा गर्म पराठा, ओ माई गॉड, ठंडी में गर्म गर्म पराठे बहुत ज़्यादा लगता है। और ये आंटी है, प्लेट निकाल के पूछ रही है इसके बाद पराठा मिलेगा, गर्मा गर्म पराठा। ओहो, छोले भी हैं, तो ये है गर्मा गर्म छोले, ये है रायता, बूंदी का रायता है, और उसके बाद है टमाटर की चटनी, और ये है हमारा गर्मा गर्म पराठा। वाओ, टेस्टी ना। सो या, दिस इज पराठा थाली, और अभी हम चलते हैं, लेट्स गो। हमारा खाना पीना पराठा खाना कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, और बाजू में है साहू पोहा। वहाँ पे भी बहुत भीड़ रहती है, बट अभी काफ़ी लेट हो गया तो सबकी भीड़ नहीं। अभी बहुत कुछ ट्राई कर लिया मैंने, सबसे पहले मैं पोहा खाई, उसके बाद आलू पराठा, और फिर चाय, फिर पानी। बापरे, मेरी तो मॉर्निंग एकदम गुड हो गई है, और बहुत सारा ठूस ली हूँ मैं। तो अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, काफ़ी सारे स्टॉल्स में अब यहाँ पे भीड़ कम हुई है, और अब मार्केट में ज्यादा भीड़ हो गई है। तो अभी फाइनली गाइस, अभी मेरा ब्रेकफास्ट करना पूरा डन हो चुका है। मैंने काफी कुछ ट्राई किया, आलू पराठा, पोहा, चाय, एवरीथिंग, बहुत कुछ ट्राई किया। तो कभी भी आपको लगे कि रायपुर में ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट कौन सी जगह है, तो आप आ सकते हैं जैसम चौक, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है, और यहाँ पर आपको एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के ब्रेकफास्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी तक नहीं आए हो तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद आ ही गया है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।